हम लोग चल पड़े थे केदारनाथ के लिए। हरिद्वार से केदारनाथ का सफ़र बहुत ही अच्छा था। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी हुई हरिद्वार से केदारनाथ तक की। हरि का द्वार, हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है उत्तराखंड में। पूरी यात्रा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आकर फिर हरिद्वार पे ही समाप्त होती है। हरिद्वार यानी भगवान का द्वार, वहीं से अंदर जाने का मार्ग है उत्तराखंड यानी देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंड। फिर से पूरी यात्रा करने के बाद, यहाँ पर हजारों मंदिर है उत्तराखंड में। पूरी यात्रा करने के बाद फिर से हम आ जाते हैं हरि के द्वार पर, जहाँ पर यात्रा समाप्त हो जाती है, देवभूमि की सीमा समाप्त हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड में आने के बाद सच में स्वर्ग में आने वाला आनंद आता है। हमने कभी स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन हमें धरती पर ही स्वर्ग दिखाई देता है। अगर हमें स्वर्ग का अनुभव लेना है तो उत्तराखंड में आना चाहिए, एक बार देवभूमि आकर देखें। बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है, दिल को बहुत अच्छा सुकून लगता है। यहाँ आने के बाद मन को बहुत अच्छी शांति मिलती है। तो हम लोग उत्तराखंड के लिए निकल चुके थे। वैसे हमें केदारनाथ जाना था, बद्रीनाथ जाना था, हेमकुंड साहिब जाना था, लेकिन आगे चल के हमारे साथ क्या हुआ ये आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम केदारनाथ के लिए निकल चुके थे हरिद्वार से। हमारी यात्रा कितनी पूरी होती है, कितनी अधूरी रहती है, ये आप बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम आनंद ले रहे हैं देवभूमि का, स्वर्ग का आनंद हमें आ रहा है। रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे थे जिसका अनुभव शब्दों में नहीं किया जाता। देख के पता चलता है स्वर्ग क्या है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बादल और बादलों के बीच में से हम चल रहे थे। इतना खूबसूरत आनंद था, जितने गम टेंशन इंसान सब भूल जाता है उत्तराखंड आने के बाद। देवभूमि कहते हैं, यहाँ पे सच में देवों ने अपने चरण रखे थे। अभी भी यहाँ पर भगवान स्थित है, हमें नज़र नहीं आते लेकिन उन्हें हम नज़र आते हैं। अभी भी पहाड़ों के कंदराओं में भगवान तप कर रहे, क्योंकि कलयुग का अंत हो फिर से सत्ययुग आए। हम लोग देवभूमि आकर सब देवों के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन एक बार में नहीं हो पाता तो हमें अलग अलग आना पड़ता है। कोई लोग चार धाम करके चले जाते हैं, बचे हुए धामों में फिर आते, वैसे चार धाम में आता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसके बाद है हेमकुंड साहिब, छोटे छोटे गांव है, माना गांव है, जहां सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, जहां महाभारत की रचना की गई थी वेदव्यास जी द्वारा, जहां गणेश जी का भी कुछ है। अभी हम वहां नहीं पहुंचे इसलिए वहां की पूरी जानकारी नहीं है। फिलहाल हम केदारनाथ के लिए निकले हैं। यहाँ आने के बाद आनंद आता है ये सब पहाड़ देखने का। बादलों में पहाड़ छुप गए हैं, इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा था, कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतने खूबसूरत नज़ारे का अनुभव लेने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, बस नज़ारे देखते चले जा रहे थे। ये खूबसूरती पहाड़ों में होती है, चाहे हम हिमाचल में चले जाएं, चाहे हम कहीं भी पहाड़ों पे चले जाएं, लेकिन उत्तराखंड में आने के बाद बहुत अच्छा सुकून मिला। यहाँ के पहाड़ ऐसे लग रहे हैं हमसे बात करते हैं, हम पहाड़ों से बात कर रहे हैं, हम अपने आप से बात करते हैं। अरे कितना खूबसूरत नज़ारा है, सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमने गाँव के नाम नहीं दिखाए क्योंकि हमें नहीं पता था कि अभी कौन सा गांव आने वाला है। बहुत से गांव थे,
बहुत अच्छा नजारा लग रहा था। एक बार जरूर, अगर यहाँ नहीं आया तो एक बार जरूर आकर देखे, खुद अपने आंखों से खुद अनुभव होगा कि हमने उत्तराखंड में कितने खूबसूरत से पहाड़ देखे। लोगों के घर हैं ऊपर पहाड़ों पर। यहाँ के लोग बहुत खुद नसीब है, यहाँ की हवा खुली है, ना प्रदूषण है, इसलिए यहाँ के लोगों को कोई ना बीमारी ना कुछ। खुली हवा में सांस लेना, ना यहाँ पे किसी को योगा है, ना ही कोई जिम है। बस पहाड़ों पे चढ़ो, पहाड़ों से नीचे आओ, यही इनकी जिम है, यही योगा है। यहाँ के लोग आपको हमेशा पतले दुबले ज़्यादातर नजर आएंगे। ज़्यादातर यहाँ पर हमने पतले लोग देखे हैं जो हर रोज़ कसरत करते हैं, अपना सामान खुद उठाते हैं। यहाँ पे कोई आपको कुली नहीं मिलेगा। गांव बीच बीच में हमने देखा, चंबा था, अभी ये कौन सा गांव है नहीं याद हमें, चंबा चमोली बहुत से गांव हैं। सब गांवों में से होके गुप्तकाशी आएगा, इसके बाद सोनप्रयाग। हम लोगों को सोनप्रयाग तक का सफ़र करना है, वहाँ हम स्टे करेंगे, एक रात रुकेंगे, इसके बाद हम केदारनाथ के लिए चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देंगे। फिलहाल हमें यहाँ का बहुत आनंद आ रहा है, पूरा दिन हमारा किस तरीके से जा रहा है हमें कोई पता नहीं। वैसे हम बस में बैठते हैं, एक दो घंटे के लिए सफ़र करते हैं, लेकिन बहुत बोर हो जाते हैं कि कब हमारी मंजिल आएगी। हमें अभी नहीं लग रहा कि हमारी कब मंजिल आएगी, क्योंकि फिलहाल हम इन पहाड़ों का आनंद ले रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, इतने मनमोहक दृश्य है।